हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 2 है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था कि इन्वर्स कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स यदि निकालना है तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस का ज़रूरत था। और उसमें हम लोग देखे थे कि इन जनरल जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते थे वो जो है बाइजेक्टिव, मतलब 1-1 on 2 नहीं होता था। और जब कोई फंक्शन 1-1 on 2 नहीं है तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सब सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। जब उसको डोमेन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते थे तब हम लोग क्या करते थे, उसका हम लोग फंक्शन को 1-1 on 2 दिखाने, उसको हम लोग 1-1 on 2 तब होता था तब हम लोग उसका क्या निकालते थे, इन्वर्स निकालते थे। तो उसी क्रम में हम लोग देखे हुए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे हुए थे उसी क्रम में, अब देखिए दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये मेरा है क्या चीज, साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका पीडीएफ में प्रॉपर्टी नंबर 1 होगा, हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे बता दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, इसी में फिर है क्या चीज़, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। दूसरा क्या, पहला था साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, दूसरा कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, -1 से 1। तब देखे होंगे कल जब हम लोग देखे थे यहाँ था x belongs to, वहाँ मेरा क्या था, तो -π/2 था, मतलब वहाँ पे कुछ मेरा फार्मूला वैसा था sin inverse sin x बराबर x, तब था फोर ऑल x belongs to -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल में था ये था। लेकिन अब यहाँ पे है -1 से 1, ये चीज़ आपको समझना होगा। यहाँ हम किसका बात कर रहे हैं, इन्वर्स का, क्या बात कर रहे हैं, इन्वर्स का, मतलब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते थे, तो मेरा होता कितना -π/2 से π/2। अब ये मेरा इन्वर्स नहीं, हमको साइन का बोल रहा है, साइन साइन वर्स एक्स बराबर वन, तो जानते हैं साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 होता है, कॉस का भी रेंज होता है -1 से 1। दोनों फार्मूला देखने में एक जैसा है, वैल्यू एक होगा, लेकिन वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट किया है वो अलग अलग चीज़ है, उसको एक ही चीज़ आपको समझना नहीं है। इसलिए भूल के भी वो गलती ना करें कि दोनों फार्मूला एक ही लगेगा एक ही टाइप में, लेकिन वह एक ही टाइप में होता नहीं है। तीसरा है टैन टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये भी क्या होता है, रियल नंबर। फिर क्या होगा, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स लेस देन इज इक्वल टू -1, फॉर ऑल एक्स लेस देन इज इक्वल टू -1, या तो फिर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन। ये सब सारा चीज़ हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। फिर हो जाएगा कॉसिक कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन इज इक्वल टू -1, और हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब। अभी हम लोग जो है इसका किसी एक का प्रूफ हम लोग करके देखेंगे। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ अब इसमें लेट कर लेते हैं क्या चीज़, साइन लेट करते हैं, साइन वर्स एक्स बराबर लेट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या चीज़, थीटा। मान लीजिए एक साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है, वेयर
एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस वन से वन के बीच में, तो साइन इनवर्स एक्स हम लोग क्या मान लिए थीटा, तो देयर फोर क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब बताइए इस थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स, वहाँ पुट कर सकते हैं इस थीटा का वैल्यू, तो हो जाएगा साइन इस थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एक्स। तो मेरा हो गया पहला फार्मूला साइन साइन वर्स बराबर एक्स। सिमिलरली वी कैन प्रूफ अदर फाइव रिजल्ट्स, तो उसी प्रकार हम लोग आपको क्या करना है इन पांचों को भी क्या करना है प्रूव करना है। ये दूसरा की बात करें तो इसको बोलिएगा कॉस है, लेट कर लीजिए इसको, लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वह कॉस थीटा, मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स, वेयर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा माइनस वन से वन के बीच में, तो हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स एक्स ये हो जाएगा बराबर एक्स। तो उसी प्रकार आप जो बचे हुए जो फार्मूले हैं उसका आप क्या कर सकते हैं प्रूफ आप खुद से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से और कुछ करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो रिजल्ट है इसी में, इसको नोट कर लीजिए। ये सब सारा चीज़ आपका जो है पीडीएफ जो गया है, पीडीएफ जो होगा उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ हमको क्या करना है इसको समझा देना है। देखिए थर्ड तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है वन बाय कोसेक थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस वन या तो फिर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। दूसरा हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये भी हम लोग पढ़े हुए थे। यहाँ क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। तीसरा होता है टेन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू ये क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ होना चाहिए एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एक्स का वैल्यू जो भी होगा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। अब इसका ये प्रूफ हम लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लेट कर दीजिए प्रूफ के लिए, लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स वन बाय एक्स को थीटा, साइन इनवर्स वन बाय एक्स को क्या मान लें थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या चीज़ साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू कितना हो गया हो जाएगा वन बाय एक्स। यदि हम लोग देयर फोर यहाँ से यदि हम लोग निकालें कॉसिक थीटा इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा वह एक्स हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं कॉसिक क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना एक्स। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं तो हो जाएगा कितना कॉसिक इनवर्स कितना हो जाएगा वह एक्स, तो यह कॉसिक इनवर्स एक्स। अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना है देयर फोर यहाँ हो जाएगा थीटा है मेरा साइन इनवर्स वन बाय एक्स, अरे मेरा आ गया कितना कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए जाएगा साइन इनवर्स वन बाय एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि इसको प्रूव करना चाहते हैं दूसरा वाला को तो इसको लेट कर लीजिए कॉस इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो जाएगा वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू लिखें तो हो जाएगा एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा सेक इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया मेरा सेक कॉस इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। यदि तीसरा प्रूफ करना चाहें तो लेट कर लीजिए टेन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो हो जाएगा वन बाय एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वह टेन थीटा, देयर फोर यदि हम लोग यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू यहाँ से पहले हम लोग क्या लेट कर दिए हैं टेन इनवर्स वन बाय एक्स को थीटा माने थे तो हो जाएगा कितना कॉट इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया तीसरा फार्मूला भी प्रूफ, किसी एक फार्मूला का हम लोग प्रूफ से मतलब है और बाकी जो है उसी प्रकार आप खुद से कर लेते। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। जितना भी फार्मूला आपको बताया जा रहा है लिखाया जा रहा है आप तो पीडीएफ में आपको लिखा हुआ है, एक एक फार्मूला आपको लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
जब क्वेश्चन आप बनाइएगा, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, तो आपको याद रखने हैं। तो हो जाएगा अब प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें क्या है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। हम लोग इसका जो इनवर्स का बात छोड़िए, यदि हम लोग यदि ध्यान से हटा दें तो हम लोग पढ़े थे साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, ये सब पढ़े हुए, तो उसी के हेल्प से इसे हम लोग काम होगा। तो यहाँ से क्या है, एक्स बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, तो माइनस वन से वन, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस वन से वन। दूसरा जो है टैन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू टैन में रियल नंबर। तीसरा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे होगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इजिकल टू वन, मतलब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा। ये तीन फार्मूला है एक जैसा। अगला जो तीन फार्मूला वो होगा एक जैसा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, माइनस वन से वन। दूसरा है कॉट कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, रियल नंबर। फिर कोसेक है, अब वहां पे लिख सकते हैं क्या चाहिए, दूसरा तीसरा एक बच गया सेक, तो हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा सिमिलरली उसे होगा मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इजिकल टू वन। अब ये तीन फार्मूला एक जैसा है, ये तीन फार्मूला एक जैसा, अब क्या करना है इसको प्रूव कीजिए। तो चलिए इसको प्रूव कीजिए। तो इन ऊपर वाला तीन जो प्रूफ है, तीन जो फार्मूला है, तीनों के बदले हम लोग एक कोई प्रूफ लेते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इजिकल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू माइनस साइन थीटा, और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन माइनस साइन थीटा है, क्या इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। याद कीजिए हम लोग पढ़े हुए थे सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पढ़ा आप लोग पढ़े होंगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता था सेक थीटा। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे क्या किए हुए थे क्लास 11th में, ये सब सारा जानकारी हम लोग क्या किए थे, तो लिए हुए थे। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर हो गया साइन माइनस थीटा, तो यहाँ से यदि चाहे तो यहाँ से कितना हो जाएगा वह माइनस थीटस, यहाँ से होगा साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस थीटा। अब बताइए थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से होगा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स क्या चीज़ माइनस एक्स, तो क्या कर सकते हैं माइनस को इधर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर टू रिजल्ट्स, दो रिजल्ट्स को उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं उसको शो कर सकते हैं। और ये इधर जो तीनों है, तीन में से कोई एक यदि हम लोग प्रूव करें, देखिए लेट कर लीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू थीटा, यहाँ से हो जाएगा कितना माइनस एक्स इजिकल टू कॉस थीटा, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू माइनस कॉस थीटा, तो एक्स इजिकल टू क्या इसको हम लोग कैसे लिखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं
पाई माइनस थीटा पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस, पाई पर रेशियो चेंज नहीं करता है, कोई दिक्कत है उसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, पाई माइनस थीटा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा मेरा कितना, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो उसको क्या कर दीजिए, हम तो एक ही चीज़ को दो बार लिख दिए ना, क्या कीजिए इस थीटा को आप राइट साइड ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए, हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू माने हुए कितना, थीटा को कितना माने थे, कॉस इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को थीटा माने थे, हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए ये भी हम लोग का फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। उसी प्रकार इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए इसको यदि प्रूफ करना है तो लेट कर लीजिए क्या चीज़, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कॉट थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट क्या चीज़ पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, पाई मतलब 180 पर रेशियो चेंज नहीं करता है, तो यहाँ से जगह इसको इनवर्स को इधर ले जाएं तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आए इसको उठा उठा ले जाएं तो होगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, अब थीटा का वैल्यू कितना, थीटा को क्या माने थे कॉट इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये हम लोग का फार्मूला प्रूफ हो गया। उसी प्रकार और जो बचे हुए जो फार्मूला जो लिखे हुए हैं उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पांचवा प्रॉपर्टी, जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये सब डायरेक्ट फार्मूला बोल देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, और यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा माइनस वन से वन। दूसरा फार्मूला हो जाएगा क्या चीज़, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, और एक्स बिलोंग्स टू क्या चीज़ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीसरा जो होगा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू फॉर ऑल, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। तो ये तीनों फार्मूला जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, इसमें भी फॉर ऑल होगा, इस समय फॉर ऑल लगा दीजिएगा। अब जो है इसका देखिए प्रूफ, प्रूफ इतना आसान है इस सब का प्रूफ, चलिए प्रूफ लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या चीज़ साइन थीटा, क्या इस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो लिख सकते हैं तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। यदि इसको इनवर्स को इधर कर दें तो हो जाएगा कॉस को इधर कर दें इनवर्स में हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा को उठा के इधर कर दे तो होगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या चीज़ पाई बाय टू, एंड थीटा को किसका माने हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये देखिए प्रूफ हो गया। यदि आप दूसरा को चाहें तो इसमें यदि लेट कर लीजिए, जिसको मर्जी आप ले सकते हैं। यदि मान के लिए कॉट इनवर्स एक्स को मान लिए थीटा, यहाँ हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं, किसी की मर्जी नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानना तो आप मान सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो एक्स कॉट को लिख सकते हैं कितना टैन पाई बाय टू माइनस थीटा, टैन को इधर कर दें इधर तो हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा तो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा को इधर कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा थीटा प्लस टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू, एंड थीटा का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, थीटा को माने थे कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस
टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो देयर फोर वही हो जाएगा कितना, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो इसी प्रकार आप खुद से इसका जो फार्मूला नंबर जो थ्री है वो आप जो है खुद से प्रूव कर लीजिएगा सिमिलरली, उसी प्रकार बहुत ही आसान है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, इसे पहला जो बोलता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय वन माइनस एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई लेस देन क्या हो जाएगा, एक्स वाई लेस देन होना चाहिए क्या चीज़ वन, हाँ तो यहाँ पे इफ कर दीजिए। दूसरा हम लोग को यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बाय वन प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए माइनस वन, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। तीसरा जो फार्मूला है इसी में टू टैन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है टैन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस क्या चीज़ एक्स स्क्वायर, टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इफ मोड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए लेस देन वन, मोड एक्स मोड का एक्स मोड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन वन। चौथा जो इसी में जो पढ़ना है वह हम लोग का थ्री टैन इनवर्स एक्स, तो इसका फार्मूला होता है टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अभी जब इसको प्रूव करेंगे तो आपको सारा चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगा कहाँ कहाँ से इसका वैल्यू हम लोग लेते थे, ऐसा सारा फार्मूला इसका बारे में हम लोग सारा कुछ जान रहे हैं, ऐसा नहीं इसके हम लोग वाकिफ नहीं, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं पढ़े हैं आप लोग इलेवेंथ में पढ़े हैं। तो इलेवेंथ का फार्मूला को हम लोग को रिवाइज करते हुए इन सभी फार्मूला को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। चलिए इसे पहला हम लोग प्रूव करते हैं प्रूफ ऑफ वन, जितना भी टैन इनवर्स रिलेटेड फार्मूला हम लोग को एक जगह लिख दिए हैं, फिर जो है और आगे जो उसी प्रकार जो एक टैप में जो होगा उसको आप एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बुक में देखिएगा तो इसका एक जगह होगा, इसका कहीं अलग होगा, इसका कहीं अलग होगा, अलग अलग एक है लिखा हुआ है, तो वहाँ पर उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसके लिए क्या किया गया है आपको पीडीएफ में जो है तो फिर यहाँ जो बता रहे हैं वो सब जितना भी है एक टैप का जो फार्मूला है वो क्या करेंगे हम लोग एक जगह लिख दिए हैं और उसको प्रूव करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझने में सहूलियत होगा। तो पहला हम लोग को प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या है, तो इसको लेना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस y बाय वन बाय एक्स वाई, लेट कर लीजिए टैन इनवर्स इज इक्वल टू ए, यहाँ से होगा कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टैन ए एंड टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से टैन बी, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टैन ए और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टैन बी। याद कीजिए क्लास इलेवेंथ उसमें बताया गया होगा फार्मूला सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में टैन ए प्लस बी का फार्मूला, तो उसमें फार्मूला क्या था, तो इसमें था टैन ए प्लस टैन बी बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अब जो है अब बताइए यहाँ से यदि हम लोग इनवर्स को उठा उधर कर दें, या तो इसको ऐसे कर दीजिए पहले जगह टैन ए प्लस बी, अब बताइए टैन ए का वैल्यू कितना है x, टैन b का वैल्यू कितना है y बाय वन माइनस हो जाएगा x y, टैन को उठा उधर ले जाइए तो हो जाएगा कितना a प्लस बी बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, ये को हम लोग क्या माने थे टैन इनवर्स x, तो हो जाएगा टैन
इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। तो ये हम लोग को क्या आ गया, ये पहला जो फार्मूला था इसका प्रूफ हो गया है। उसी प्रकार आप जो है इसको जो सेकंड का प्रूफ कर सकते हैं, बस यहाँ पे फार्मूला क्या लगाइएगा, तो टैन ए माइनस बी का फॉर्म लगाइएगा तो आपको वो जो फार्मूला भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सब सारा चीज़ आप नहीं जान रहे हैं। चलिए आप लोग जो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जो नेक्स्ट जो फार्मूला है उसके बारे में हम लोग जो बचा हुआ दो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको नोट कीजिए, आप देखते हैं तीसरा फार्मूला का प्रूफ। जो जो इम्पोर्टेंट जो प्रूफ है उसको हम बता दे रहे हैं, हालांकि इसका प्रूफ आपको सभी का जो है बुक में आपको किया गया है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं जो कहाँ कहाँ यूज होने वाला हो सकता है एग्जाम में। तभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, यदि जो हो सकता है यदि सब्जेक्टिव में होता है तो कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि यही प्रूव करने के लिए 2011 में यही क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 मार्क्स का था कि प्रूव दैट टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इतना प्रूव करना है। तो फार्मूला को ही प्रूव कर देता है कभी कभी, तो आपको जो उस सभी ध्यान रखना है फॉर सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में से भी आपको रिजल्ट याद रखने हैं। तीसरा में कितना है, यह है टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है टैन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan inverse x का और भी फार्मूला होता है। 2 tan inverse x का यदि और फार्मूला देखिएगा तो आपको जो है PDF में आपको वो भी लिखा हुआ है, तो उसमें है sin inverse 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा है cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला वहाँ पे आपको PDF में लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक साथ लिखे है, टेन वाला जो है टेन का जो टेन के टर्म में है, इधर टेन टेन है, इधर उसका फॉर्मूला क्या है टेन टेन के टर्म में था, इसलिए उसको क्या है एक साथ रखा हुआ है। और इधर जितना भी है ये क्या है साइन वर्स साइन के, टू टेन का साइन के टर्म में है, फिर कॉस के टर्म में है, इसके अलग करके रखा हुआ है, आप इस तरह भी देख सकते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्या मान लिए टैन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए थीटा, देन ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर टैन थीटा। नाउ आपको पता होगा फार्मूला, तो टैन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन टू थीटा का फार्मूला होता है टू टैन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब सारा चीज़ आप इलेवेंथ में पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि फार्मूला यहाँ से लिखा हुआ है, इलेवेंथ का फार्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा यह टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यह है एक्स, तो हो जाएगा टू एक्स बाय सॉरी यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टैन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर टू, और थीटा को क्या माने थे टैन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये भी फार्मूला क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से यदि आप चाहे तो ये जो है यदि इसको प्रूव करना चाहे तो उसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यदि इस फार्मूला को यदि चाहें टू टेन इनवर्स एक्स कितना है ये है साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेट कर लीजिए टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। नाउ याद कीजिए फार्मूला, साइन टू थीटा का फार्मूला टेन में क्या होता था, तो होता था टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लास इलेवेंथ में आप लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन टू थीटा का टेन में होता है टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का भी टेन में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके हेल्प से आप एक खुद से प्रूव कर लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यह साइन टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू इधर हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब टू थीटा को क्या माने थे, टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया इसका। यदि आप इसको प्रूव करना चाहे तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, और उसके हेल्प से आपका ये फार्मूला भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले हैं, आपको ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ रिविज़न करना है इलेवेंथ के जो फार्मूले हैं इसमें से। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए थ्री फोर्थ का जो प्रूफ है सो प्रूफ ऑफ फोर्थ, ये कितना लिखा हुआ है, थ्री टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर। लेट कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो देन एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब नाउ यूज कीजिए फार्मूला, याद कीजिए फार्मूला बताया होंगे आप पढ़े होंगे टेन थ्री थीटा का, तो फार्मूला था थ्री टेन टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका प्रूफ बोलिएगा तो आपको इलेवेंथ में पढ़ना पड़ेगा ये प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ सारा कुछ आप पढ़े हुए होंगे। अब यहाँ हो जाएगा थ्री टेन थीटा को क्या माने हैं, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, थ्री एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय हो जाएगा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। टेन है टेन को उधर ले जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा थ्री थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इन्वर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अब इतना हो गया थीटा, यहाँ पर पुट कर दीजिए कितना, टेन इन्वर्स एक्स, तो देयरफॉर हो जाएगा थ्री टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का तीसरा फार्मूला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन फिर से हम बता रहे हैं जितना भी फार्मूला प्रूफ किए हैं इसमें इम्पोर्टेंट आपका जो है ये दोनों को आपको प्रूफ को ध्यान में रखना है। इन दोनों को ध्यान में नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका फार्मूला को आपको थ्रू आउट याद रखना ही पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर सिक्स तक डिस्कस किया हुआ है, टेन इनवर्स का फार्मूला टेन के टर्म में जो हम लोग देखे अभी तक, और जो बचे हुए जो प्रॉपर्टीज है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समय आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।